शिवानी मंडी के जाट सेवा समिति द्वारा आज स्थानीय किसान भवन के अंदर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और जाट सेवा समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जाट भवन के बारे में जो आगे की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में अपने विचार रखे। आइए आपको सुनवाते हैं शिवानी मंडी में आयोजित किसान सभा के भवन में आयोजित जाट सेवा समिति के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी बातचीत आप तक सीधे जाट सेवा समिति के सदस्यों से। मेरे प्रिय पत्रकार भाइयों को वह समाज सेवा के सदस्यों को यहाँ पहुँचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। वह शिवानी में जाट भवन बनाने के लिए जाट भवन की सरदारी ने मुहिम चला रखी है। वह जाट भवन के लिए दानवीर दिल खोल कर दान दे रहे हैं। आगे मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी सोनलाल कसवा मतानी ने अपने कसवा परिवार मतानी की तरफ से अपने प्रिय नेता स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व विधायक मास्टर दीपचंद के नाम से जाट भवन में मैन हॉल अपने प्रिय नेता मास्टर दीपचंद पूर्व विधायक के नाम से 21 लाख रुपए का सहयोग दिया है। इस खुशी में जाट समाज के सभी सदस्य कसवा परिवार मतानी को दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हैं व धन्यवाद करते हैं। आज किस उद्देश्य के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? आज समाज को बड़ी खुशी है कि लोग दिल खोलकर चंदा दे रहे हैं। लोगों में ऐसी भावना उजागर हो गई है, लोग फोनों पर भी जाट भवन का चंदा दे रहे हैं। आज हमारे को सोनलाल मतानी ने अपने नेता की खुशी में 21,000 रुपये का अनुदान दिया है, 21 लाख का अनुदान दिया है। वह इसी समय राजू सरपंच मोरका का फोन आया है, उसने भी बड़ी खुशी के साथ 1,01,000 रुपये का अनुदान दिया है। वह सारे समाज का खुशी के साथ चंदा दे रहे हैं। आपका सभा का मुख्य जिस प्रकार से आपने क्या एजेंडा तैयार किया, किस प्रकार से भवन तैयार किया जाएगा, क्या लक्ष्य इसका है कि आप उसमें कितने भवन किस प्रकार से होंगे? हम एशियाड की जाट भवन 1 नंबर का बनाने जा रहे हैं। उसमें हमारा लक्ष्य है हम शिक्षा समाज सेवा देश सेवा से प्रेरित करना चाहते हैं। वह जाट भवन में मैरिज प्लेस लाइब्रेरी कोचिंग संस्था खोलने का इरादा है। ये केवल जाट समाज के बच्चों के लिए, सभी समाज के बच्चों के ये लिए? सभी समाज के बच्चों के लिए, सदस्यों के लिए बनाई जा रही है। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति इसको प्रयोग कर सकता है। हालांकि सहयोग जो है वो सिर्फ जाट समाज सहयोग से लिया जा रहा है, चंदा राशि जाट समाज से ही ली जाएगी। अभी और अब तक हमारे पास 1 हॉल कमरा की राशि और 72 कमरे लोगों ने लिखवा दिए हैं और 3,22,00,000 रुपए अब तक का चंदा हमारे पास आ चुका है। काम कब तक कार्य शुरू कर देंगे? जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम अभी जिस तरह से जल्दी जो है भूमि पूजन का कार्य शुरू करके और जो है समाज के गणमान्य लोग और जो समाज के बड़े नेता हैं उनको बुला करके, सभी आम नागरिकों को बुला करके विधिवत रूप से जो है इसका कार्य शुरू किया जाएगा। और भूमि कहाँ पर ले गई है? ये नेशनल हाईवे 52 पे जहाँ पे रेलवे क्रॉस रेलवे ब्रिज की क्रॉसिंग है वहाँ पे जो है नेशनल हाईवे पे 5.5 एकड़ जमीन लगभग जाट समाज ने विधिवत रूप से रजिस्ट्री करवा दी है। चंदा द्वारा ले गई है? ये सिर्फ अन्य लोग उनको चंदा इकट्ठा करके इस जमीन को खरीदा गया है और समाज के नाम इसकी रजिस्ट्री करवा दी गई है। जाट समाज सेवा समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा के इसकी विधिवत रूप से रजिस्ट्री करवा दी गई।